कहां तक लगता है कि इनको न्याय के लिए ये दर दर जिस तरीके से भटक रहे हैं, आपको लगता है न्यायालय और आप इनकी कहां तक मदद कर रहे हैं? इनके आंसू को देख करके ऐसा नहीं, मालती चौहान के पिता के आंसू बेकार नहीं जाएंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और आप इनसे सहमत हैं अगर ये केस को आपको हैंडल कर रहे हैं, आपको ये न्याय दिलाने के लिए कहा है, आपको लगता है ये न्याय दिलाएंगे? हमें पूरा विश्वास है क्योंकि सर मेरा सुनेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे मेरे पे। जी बिल्कुल सही गोलू भैया जी, जय हिंद जय भारत। और हाँ, मालती जी के पापा जी सही में वाकई में बहुत, हर बाप जो भी बाप अपनी बेटी का इस तरह का कंडीशन देखेगा ना वो परेशान तो होगा ही। और मालती जी के पापा जी की जो इस समय कंडीशन है वो एक बाप ही समझ सकते हैं और सही में बहुत ही तकलीफ हो रही होगी उनको। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतने दिन हो गए और इतने दिन में अभी तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चला। लेकिन सबसे अच्छी बात या सबसे बढ़िया बात यह है कि मालती जी के पापा को विश्वास भी है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि गोलू भैया जी लगे हुए हैं और मुझे ये बिल्कुल उम्मीद है कि अगर गोलू भैया जी लगे हैं तो इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। क्योंकि जितना भी भागम भाग है, कोर्ट कचहरी वकील थाना, यहाँ तक कि श्री योगी जी से भी मिलवाना कह रहे थे अपने लाइव में 2-3 बार की जाना है। और आज मेरी फ़ोन से बात भी हुई थी गोलू भैया जी से और मैं उनका परमिशन ली हूँ और उसके बाद ही वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मुझे खुद भी जब तक कुछ ऐसा खास ना हो ना, मुझे ये उल्टा पुल्टा कहीं से कुछ भी उठाओ कहीं से कुछ भी फेंको वाला वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ जो वीडियो हो वो क्लीन हो, साफ साफ हो और बस मैं भी यही सोचती हूँ। लेकिन आज वकील साहब की बात सुन के और मालती जी के पापा जी की बात सुन के थोड़ी सी तसल्ली सी भी मिल रही है कि हाँ देखिए शायद जो भी हो फैसला आए अच्छा आए। लेकिन हाँ, मैं ये पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ी सी ना सख्ती से पेश आइए और थोड़ी सी सख्ती और दिखाइए। क्योंकि क्या सही क्या गलत अभी तक किसी पब्लिक को भी, यहाँ तक कि किसी को भी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कौन कौन है। कम से कम एक होता है ना शक के दायरे में, तो शक के दायरे में बस एक विष्णुराज चौहान ही जो है वो है कस्टडी में है। बाकी सब पे भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। बाकी सब भी जो बाहर हैं उन लोग को भी कहीं ना कहीं से पकड़ के और उन लोग से भी पूछताछ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या बोलूँ मैं भी खुद भी परेशान हूँ। मैं खुद भी आज जब गोलू भैया से बात की तो मैं यही बोली कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और प्लीज़ आप इंसाफ ज़रूर दिलवाइएगा। हर केस की तरह ये केस ना दब नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी केसेस हैं जो दब गई हैं, मालती ये ममता चौहान जैसे और भी कई लोग हैं, तो ये ना दबे और जो है वो हम पब्लिक के सामने जरूर आए। और बाकी कुछ नहीं, जय हिंद जय भारत। क्योंकि यहाँ वहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना मुझे आता नहीं है, जो सही है बस वही है। आज रिपोर्ट, आज जब वकील साहब की बात सुनी, गोलू भैया जी जब बात किए तब मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ थोड़ी सी अभी उम्मीद है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो भी हो सही या गलत फैसला ज़रूर आएगा। और तब तक आप लोग फैसले का इंतज़ार कीजिए और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कहीं का कुछ भी उल्टा पुल्टा वीडियो मत बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।